subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कोरोना के वार जारी, गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 34 अफराद कोरोना के बाइस जान से हाथ धो बैठे। 1808 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद मुल्क भर में मजमू केसेस की तादाद 3,49,992 हो गई। आइंदा चंद दिनों में आटे और चीनी की कीमतों में वाजिया कमी आ जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की तर्जुमानों को हर महाज पर अपोजिशन का मुकाबला करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा है कि अपोजिशन ज़ाती मुफाद की खातिर मुल्क दुश्मनों की जबान बोल रही है। हुकूमत ने कोरोना वबा के पेश नज़र शादी की इंडोर तकारीब पर पाबंदी लगाई और खुद बड़े जलसे कर रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंडोर हॉल में शादी की तकरीबात पर पाबंदी के हुकुम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कहना था कि हुकूमत इम्तियाजी सलूक क्यों कर रही है। चीनी स्कैंडल, शरीफ फैमिली और जहांगीर तरीन की शुगर मिल्स के खिलाफ नोटिसेस का अलदम। लाहौर हाई कोर्ट ने अल अरबिया और JDW शुगर मिल्स की दरख्वास्तें जज्वी तौर पर मंजूर कर ली। 15 नवंबर को गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ही हुकूमत बनेगी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को बचाने के लिए पीपल्स पार्टी को जितवाना होगा। हम पूरे पाकिस्तान को कठपुतली हुकूमत से बचाएंगे। ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर, आला क्लीन क्वालिटी, 75% फूड ग्रेड अल्कोहल, नॉन स्टिकी और नॉन ऑयली फार्मूला। आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com। कनाडा में आपके पास डॉक्टर और लॉयर होना बहुत जरूरी है। हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा नाम जो है रिलायबल, ट्रस्टवर्दी एंड ऑनेस्ट। लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 9059566699। फॉर फैमिली लॉ, रियल एस्टेट, विल्स और किसी भी तरह के एफिडेविट या पैरा लीगल प्रॉब्लम्स के लिए लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 9059566699। पहली कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। कॉल लॉयर शिखा शारदा, 9059566699। NCOC के मुताबिक फाल केसेस की तादाद बढ़कर 22,088 हो गई, जबकि अब तक कोरोना वायरस में मुब्तला 3,20,849 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 34 अमवात रिपोर्ट हुई, जिसके बाद मजबूई अमवात की तादाद 7,055 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में कोरोना वायरस के फाल केसेस की तादाद बढ़कर 22,000 से ज़ायद हो गई, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 34 अफराद कोरोना के बाइस जान से हाथ धो बैठे। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 1,808 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद मुल्क भर में मजमू केसेस की तादाद 3,49,992 हो गई। NCOC के मुताबिक फाल केसेस की तादाद बढ़कर 22,088 हो गई, जबकि अब तक कोरोना वायरस में मुब्तला 3,20,849 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 34 अमवात रिपोर्ट हुई, जिसके बाद मजमूई अमवात की तादाद 7,055 हो गई। सिंध में मरीजों की तादाद 1,52,072, पंजाब में 1,08,221, खैबर पख्तूनख्वा 41,258, इस्लामाबाद में 22,765, बलूचिस्तान में 16,226, आज़ाद कश्मीर 5,041 और गिलगित बल्तिस्तान में 4,409 तादाद हो गई। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैनात सिविल एविएशन अथॉरिटी के 6 मुलाजमीन कोरोना वायरस का शिकार हो गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शहर कायद में वाकया जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैनात पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुलाजमीन में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जिसके बाद उन्हें क्वारंटीना कर दिया गया है। हुकूमती तर्जुमानों से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा है कि महंगाई से मुतालिक हमारी सूबाई हुकूमतें हंगामी बुनियादों पर इक़दामात कर रही हैं। मुल्की मईशत के मजबूत अशारिया पोजीशन के लिए परेशान कुन हैं। आइंदा चंद दिनों में आटे और चीनी की कीमत में वाजिया कमी आएगी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि आइंदा चंद दिनों में आटे और चीनी की कीमतों में वाजिया कमी आएगी। हुकूमती तर्जुमानों के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा,
अपने बयानिए के लिए फोर फ्रंट पर खेलें। इजलास में अपोजिशन के बयानिए, मुल्की मईशत और गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन से मुतालिक गौर किया गया। तर्जुमानों के इजलास में विफाकी वज़रा, मुशीरान, मुआविनीन भी शरीक हुए। वज़ीर आज़म ने कहा कि अपोजिशन जाती मफाद की खातिर मुल्क दुश्मनों की जबान बोल रही है। इन दिनों गिलगित बल्तिस्तान में अपोजिशन का सर्कस लगा हुआ है। मुख्तलिफ सर्वे रिपोर्ट्स के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में PTI को वाज़ेह बरतरी हासिल है। उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क के अवाम अपोजिशन जमातों के अज़ाइम जान चुकी है। अपोजिशन ने कौमी सलामती के उमूर पर भी सियासत की। हर महाज पर अपोजिशन का मुकाबला करेंगे। हुकूमती तर्जुमानों से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा कि महंगाई से मुतालिक हमारी सूबाई हुकूमतें हंगामी बुनियादों पर इकदामात कर रही हैं। मुल्की मईशत के मुस्बत इशारे अपोजिशन के लिए परेशान कुन हैं। आइंदा चंद दिनों में आटे और चीनी की कीमत में वाज़ेह कमी आएगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि अगर किसी शादी में कोरोना फैल जाए तो अदालत इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकती। हुकूमत से ये ज़रूर पूछ लेते हैं कि मार्किज के साथ इम्तियाजी सलूक क्यों रखा जा रहा है। हुकूमत ने इधर पाबंदी लगाई और खुद बड़े जलसे कर रही है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए हैं कि हुकूमत ने कोरोना वबा के पेश नज़र शादी की इंडोर तकारीब पर पाबंदी लगाई और खुद बड़े जलसे कर रही है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अथर मनुल्ला ने मुल्क में कोरोना की वजह से इंडोर हॉल में शादी की तकरीबात पर पाबंदी के हुक्म के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौकफ इख्तियार किया कि NCOC ने 6 नवम्बर को नोटिफिकेशन जारी किया कि 20 नवम्बर से इंडोर हॉल में शादी की तकरीबात की इजाज़त नहीं होगी। वज़ीर आज़म कहते हैं हम मईशत के पहिए को नहीं रोकेंगे, लेकिन मार्किज के खिलाफ ऐसा क्यों हो रहा है? पॉलिसी बनाएं, लेकिन 10,000 लोगों को बेरोजगार तो ना करें। अगर कोई मार्किज किसी जाब्ते इखलाकी की पाबंदी ना कर रही हो तो उसको बेशक बंद कर दें। जो फैसला करना है उसमें हमारी राय भी शामिल होनी चाहिए। दरख्वास्त गुजार के वकील का मजीद कहना था कि मार्किज पर तो पाबंदी, लेकिन हुकूमत खुद बड़े बड़े जलसे कर रही है। गिलगित समेत मुख्तलिफ जगहों पर हुकूमत और अपोजिशन के जलसे जारी हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर किसी शादी में कोरोना फैल जाए तो अदालत उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकती। हुकूमत से ये जरूर पूछ लेते हैं कि मार्किज के साथ इम्तियाजी सलूक क्यों रखा जा रहा है। हुकूमत ने इधर पाबंदी लगाई और खुद बड़े जलसे कर रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी डायरेक्टर नेशनल कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी को नोटिस जारी करते हुए मजाज अफसर को जाती हैसियत में 18 नवम्बर को अदालत तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि वजाहत की जाए कि हुकूमत का दोहरा मयार क्यों है। लाहौर हाई कोर्ट ने शरीफ फैमिली की अल अरबिया शुगर मिल्स और जहांगीर तरीन की JDW शुगर मिल्स को JIT, FIA और SECP की जानिब से भिजवाए गए नोटिस को कालदम करार दे दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जस्टिस शाहिद करीम और जस्टिस साजिद महमूद सेठी पर मुश्तमिल दो रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाते हुए शुगर मिल्स की दरख्वास्तें जुज़वी तौर पर मंजूर कर ली। अदालती फैसले में कहा गया है कि SECP अपना किरदार कानून के मुताबिक अदा करने में नाकाम रहा। FIA को यकीनन इंक्वायरी का इख्तियार हासिल है, लेकिन देखना यह है कि इंक्वायरी किन कवानीन के तहत की जा सकती है। FIA के इख्तियार के हवाले से तफसीली फैसले में वजाहत की जाएगी। रवां साल के अवाइल में मुल्क में अचानक चीनी महंगी और किल्लत पैदा हो गई थी। इसकी वजूहत जानने के लिए वफाकी हुकूमत ने 16 मार्च को 3 रुकनी आला सतह का इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया था। चीनी बहरान पर वफाकी तहकीकाती एजेंसी की तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया था कि मुल्क में चीनी बहरान का सबसे ज्यादा फायदा जहांगीर तरीन, वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार के भाई और मोन्स इलाही की कंपनियों ने फायदा उठाया। दरख्वास्त गुजारान ने मौकफ इख्तियार किया था कि फारूकी पल्प मिल्स और अल अरेबिया शुगर मिल्स पर कॉरपोरेट फ्रॉड का बेबुनियाद इल्जाम आयद किया गया है। वफाकी काबीना ने फारूकी पल्प मिल और अल अरेबिया शुगर मिल्स के खिलाफ इंक्वायरी करने का गैर कानूनी हुक्म दिया है, लिहाजा अदालत अल अरेबिया शुगर मिल से रिकॉर्ड तलबी के JIT के नोटिस को गैर कानूनी करार दे, जबकि अल अरेबिया शुगर मिल्स और फारूकी पल्प मिल्स के खिलाफ वफाकी हुकूमत के इंक्वायरी के अहकामात को कलदम किया जाए। इसके साथ साथ तलबी के नोटिस मअतल किए जाएँ और हिरासा करने से भी रोका जाए। वादी नॉमल में जलसे से खिताब में चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि अब जो गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाएगा वही पाकिस्तान में हुकूमत बनाएगा और 15 नवंबर को गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ही हुकूमत बनेगी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने दावा किया है कि 15 नवंबर को गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ही हुकूमत बनेगी। वादी नॉमल में जलसे से खिताब में चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि अब
जो गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाएगा वही पाकिस्तान में हुकूमत बनाएगा और 15 नवंबर को गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ही हुकूमत बनेगी। उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को बचाने के लिए पीपल्स पार्टी को जितवाना होगा, हम पूरे पाकिस्तान को कठपुतली हुकूमत से बचाएंगे। बिलावल भुट्टो ने गिलगित के इलाके शरूट में भी जलसे से खिताब किया जिसमें उनका कहना था, हम किसी को अपना वोट चोरी नहीं करने देंगे, अपने वोट का तहफ्फुज करेंगे। और 15 नवंबर को गिलगित बल्तिस्तान के हर इलाके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले मौजूद है अपना वोट का तहफ्फुज करने के लिए, किसी को इजाजत नहीं देंगे अपना वोट की चोरी करने का। अपने खिताबात में बिलावल भुट्टो ने गिलगित की आवाम से उनके मसाइल हल करने का वादा भी करते हुए कहा कि जो वादा करूंगा निभा कर दिखाऊंगा। कि जब मैं हक हकबियत का वादा करता हूँ, जब मैं हक मलकियत का वादा करता हूँ, जब मैं हक रोजगार का वादा करता हूँ, तो मैं अपना वादा पूरा करके दिखाऊंगा। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद। सब्सक्राइब टैग टीवी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन।